भाई वाह क्या बात है तेरी, ठाठ है तेरे शांतरी भट्टी। हाँ भाई हाँ तू बड़ा से आना, काम का है तू ये माना डीडी। अरे बातें बनाना, चक्कर चलाना, लुट गए ये सबसे अपना हो या बेगाना। ऐसा कोई मिला नहीं जिसका किया भला नहीं, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी दिल से गिला नहीं। भट्टी यार डीडी, भट्टी यार डीडी, भट्टी यार डीडी, भट्टी यार डीडी। आखिर क्यों, जब मैंने उसे माफ कर दिया था तो फिर इतना बड़ा फैसला करते हुए मुझसे पूछने की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई? नहीं महसूस हुई, इस घर में फैसला करने का मेरा कोई हक नहीं। एक नौकरानी को मैं नहीं निकाल सकती। वो नौकरानी थी, कोई मोच या कील नहीं थी जिसे निकाल दिया गया है। इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लिया जाता। निकाल दिया, कोई कयामत नहीं आ गई। उसे निकालने की वजह? वजह उसका चाल चलन था, कल को वो कुछ भी कर सकती थी। मुझसे पूछे बगैर शूटिंग शुरू कर दी। अगर वो हीरोइन बन जाती तो उसके माँ बाप को हम क्या जवाब देते, और मुझे कुछ इतराजात भी थे। अच्छा, जनाब को क्या इतराज है? मैं बताना नहीं चाहती, एक नौकरानी को निकालने में आपको क्या परेशानी है? परेशानी होती है इंसान को, बरसों की रफाकत थी उसके साथ हमारी। रफाकत को रकाबत में बदलने में 2 मिनट लगते हैं, और जो कुछ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। आया औरत, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। फेल होने का खतरा है ना, सब मैं जानती हूँ। उसका फैसला भी गलत था, मुझसे पूछे बगैर शूटिंग शुरू कर दी। मैंने कोई जुल्म नहीं किया, इंसाफ किया है। इंसाफ करना था तो फिर इसे भी निकालना था, ये जो मीसनी शक्ल बना के खड़ा हुआ। क्यों? इसने भी तो वही कसूर किया है जो रेशमा ने किया था, ये तो नौकरी को लात मार के चला गया था। इसे रेशमा ने वर्गलाया था, इसने मुझे साफ साफ बता दिया था। इसकी इतनी गंदी जहनियत है, ये कभी भी साफ साफ कुछ नहीं बता सकता। साहब जी मैं तो खामोश। खबरदार, अगर एक लफ्ज भी तुमने दरमियान में बोला तो जबान गुद्दी से खींच लूंगा। जी बेहतर। हाँ मीसने नौजवान, अब मुझे ये बता कि तूने नौकरी को लात मारी थी ना, हैं? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? जवाब क्यों नहीं दे रहा? आपने खुद ही तो कहा जी कि खबरदार जो एक लफ्ज भी मुझे निकाला तो जी। हाँ मेरे ओबीडियंट बच्चे, मैं तेरा माथा चूम लेता अगर तेरी जिल्द इतनी तेजाबी ना होती तो। मेरा जी चाहता है। साहब जी, जी तो मेरा भी बड़ा चाहता है जी, लेकिन मैं मांग नहीं सकता जी। दबाओ जा, निकल जा मेरे घर से बाहर, उस दरवाजे से बाहर निकल जा। ये आपका आखिरी फैसला जी? आखिरी से भी आखिरी फैसला है। ठीक है साहब जी, मैं जा रहा हूँ जी। मेरा नाम अपने राशन कार्ड में से निकलवा दीजिएगा जी। राशन कार्ड में से तो निकलवा देंगे जी आप, लेकिन अपने दिल से कैसे निकालेंगे जी आप? घड़ी घड़ी याद आऊंगा मैं। और दूसरी बात ये साहब जी कि जो मेरी तनख्वाह आपने अमानतन दफनाई हुए ना जी, उसका बेगम साहबा को सोने का जेवर बनवा दीजिएगा जी। ऐ मेरे भोले और इंतहाई परले दर्जे के बेवकूफ इंसान, तुमने शायद पिछले कुछ अरसे से सोने का भाव नहीं सुना के कहां पहुंचा हुआ है। यहां तो जागने के जेवर नहीं बन रहे, सोने के जेवर कहां बनेंगे? और वैसे भी इस औरत पर वो कौन सा जेवर होगा जो इसके जिस्म पर सजेगा? गुलूबंद बनवा दीजिएगा जी। गुलूबंद बनवाना, पर उसे मोटे रस्से में बनवाना ताकि खींचने में आसानी हो। खुदा हाफिज साहब जी, अलविदा। अलविदा साहब जी, अलविदा। डीडी ओए रुक जाए, वापस आ जा। ओए वापस आ गए जी? और तेरी बड़ी क्विक सर्विस है, इतनी जल्दी आ गया तू। बात सुन, तू हमारे जज्बात में नाखून गाड़ के कहां जा रहा है? ठीक, अब तो रेशमा के हिस्से का काम भी करेगा। ठीक है साहब जी, मेरी भी एक शर्त है जी, आप रेशमा समझ के मुझे छेड़ेंगे नहीं? मैं इतना बदजौक नहीं हूं जो तुम्हें छेड़ना शुरू कर दूंगा। मैंने जी, बेगम साहब आप परेशान ना हो जी, मैंने नौकरानी का बंदोबस्त कर लिया है। वेरी गुड, कहां है? मैं अभी लेके आता हूँ जी। अच्छा। औरत, हाँ।
अगर हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते तो शायद रेशमा लौट आती। रेशमा कभी नहीं आएगी। सलामुअलैकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये अपनी जगह से हिला हुआ है, यकीनन बेगम साहब टकराई होंगी इसे। मुझे लग रहा है सोफे की हवा काम है। बात सुनो, अगर तबीयत नहीं कर रही ना काम करने को, थोड़ी देर आराम कर लो, जब ठीक हो जाए ना तबीयत फिर कर लेना। आप ना अपना नाम पूरा बेगम भट्टी बट रख लें। क्यों भाई, मैं अपने नाम के साथ बट क्यों लगा लो? वो इसलिए कि सारे बट जो हैं वो तो कॉमेडी में आ गए, और आपके जुमले की कार्ड मुझ जैसे बेहस आदमी के सीने को छन्नी कर देती है जी, तो आप दूसरों का क्या असर करेंगे जी, आपको अंदाजा नहीं। तू अपना काम अंदाजे से ना कर, दीदे खोल के कर। सफाई तो मैं ऐसी कर सकता हूँ जी कि आप हमेशा याद रखेंगी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जी इतनी मेहनत भी करूं, इतना बड़ा रिस्क भी लूं जी, इस घर से निकलेगा क्या? तू तू निकलेगा इस घर से। तू तड़ाक पे उतर आई है जी आप? आ जाने दो जरा भट्टी साहब को। और रोज ही आते हैं जी। वैसे मैं एक बात कहूँ, उनको मशवरा दे जी, एक्टिंग छोड़ दें, उनका तो मुंह ही नहीं है जी एक्टरों वाला, हॉकी के फुल बैक लगते हैं, और वो उनको कहें कि ढंग का काम करें ताकि मेरी भी तनख्वाह मिल सके। मिल जाएगी तुम्हारी तनख्वाह, पहले हमें चेक तो मिल जाए। तीन चैनलों पर ड्रामे किए थे ईद के, अभी तक चेक ही नहीं मिले। मेरी तो जी 7 महीने पहले की तनख्वाह है, ईद को गुजरे हो तो अभी 15 दिन हुए हैं और अब परेशान हो गई। दीदी दुआ करें जी खैरियत से उतर आए, गिर पड़ी तो चागी वाला वाकया हो सकता है बेगम साहब। दीदी सलाम अलैकुम भाभी। वालेकुम सलाम बहन जी, फरमाइए। क्यों याद कर रही थी टीडी को? वो ना मैं सोच रही थी कि ना जी ना, आप ना सोचा करें, इस काम के लिए हमारी बेगम साहबा जो है जी। मैं तो सोच सोच के पागल हो गई। भाभी चाय की पत्ती चाहिए थी, खत्म हो गई है। डीडी काम के बाद ना चाय की पत्ती ला दे। नहीं वो तो मैं आपसे मांगने आई थी, पत्ती तो कल रात को ही खत्म हो गई थी। नहीं नहीं बेगम साहबा, मैंने नया डब्बा खोला है अभी। नया डब्बा खोला? तो फिर ला दो इनको, नया डिब्बा खोला है, मुझे पता ही नहीं, इनको बता दिया आप। वो थोड़ा दूध भी ले आना। वो तो बेगम साहब वो है, वो ही बताने लगी थी कि वो है। चीनी भी ला देना, बिस्किट भी ला देना जाके। रीमा तुम ऐसे करो, यहीं बैठ के चाय पी लो और यहीं आराम कर लो। भाभी आप इतना मजबूर कर रही हैं तो मैं बैठ जाती हूँ, यहीं पी के चली जाती हूँ। जी जी अच्छा मौका है जी, गपशप भी हो जाएगी सुबह सुबह, अगर कहें तो मैं आप लोगों को ताश भी ला देती। जाओ जाओ तू बैठो रिमा बैठो। जावा सलामुअलैकुम बीबी जी। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? बस बीबी जी क्या बताऊँ, मेरी तबीयत तो कुछ ढीली मठी रहती है, लेकिन परसों क्या हुआ, मेरा भाई सीढ़ियों से नीचे गिरा, उसको इतनी जोर की चोटें लगी, मेरी माँ बिस्तर से उठी, उसने जो लेके बस बस मैंने इतना ही पूछा था। मैं तो आपको अपनी तबीयत का बता रही थी बीबी जी, देखिए ना चाय शाय पीऊँगी ना तो कुछ चंगी भली हो जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम मेरी नंद से कम थोड़ी हो, जैसे गाड़ी बगैर पेट्रोल की नहीं चलती ना, इसी तरह तुम दोनों चाय के बगैर ईंटों पे रखी हुई गाड़ी से कम नहीं हो। डीडी डीडी जी 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 जी, जाओ जाके एक कप चाय ले आओ। जी चाय तो बेगम साहबा मैं बना देता हूँ जी, लेकिन इतनी चाय जो है ना जी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, फिर आपका माशाल्लाह कप इतना बड़ा है कि छोटा बच्चा गिरे तो डूब जाए जी उसमें। डॉक्टर साहब चाय रेशमा के लिए बनानी। अच्छा जी, लेकिन बेगम साहब मुझे बता दें जी मेरी मुलाजमत है क्या, डॉक्टर भी कह रही है और चाय का भी कह रही है जी। चाय बनाओ, बातें ना बनाओ। जी बेटा। रेशमा जी बीबी जी कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए, धो लेना, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ। अच्छा
रेशमा रेशमा बेटा साहब चले गए तू बैठ इधर बैठना चाय लेके आ बेगम साहब मुखौल कर रहा था मुखौल कर रहा था तेरे हाथ की चाय ना पी लूँ ना सारा दिन कुछ तलब सी रहती है मेरी जान अदबी गुफ्तगू ना किया अगर मैं कुछ अजीब सा हो जाता हूँ तू जैसा भी है मुझे बहुत अच्छा लगता है पता नहीं बीबी जी ने तेरा नाम डीडी क्यों रख दिया वो इसलिए कि मेरा पूरा नाम दिलबर दिलदार है तो बेगम साहबा जब मुझे दिलबर दिलदार कहती थी ना तो साहब को बड़ा गुस्सा आता था इसलिए उन्होंने मेरा नाम डीडी रख दिया तो मैं तो दिलबर कहती थी मुझे तो बहुत अच्छा लगता था तो तू कह लिया कर तुझे कौन सा बिलाना है अच्छा ये बता कितनी चीनी डालूं तेरी चाय में छोड़ दे तूने बनाई है मीठी शहद होगी फिर भी रिस्क ना ले चीनी डाल ही ले चल बिस्किट ले इसके साथ बिस्किट ले तो ये बता इतने दिन कहाँ लगा के आई है तू मैं ना अपनी अम्मा से मिलने के लिए गई थी इधर तो मुझे कपड़े धोने का मजा ही नहीं आता जब मैं पहले और घरों में कपड़े धोती थी तो सबसे पहले मैं जेबें चेक करती थी कुछ ना कुछ निकल ही आता था साहब की जेबें तो सारी फटी हुई होती हैं लेकिन हैं दोनों बहुत अच्छे और खासकर साहब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं हालांकि उन्होंने मेरी 7-8 महीने की तनख्वाह दे दी है मैंने साहब का बड़ा अच्छा वक्त देखा हुआ है मुझे अच्छी तरह याद है जब साहब को देखने के लिए लोग उनके घर के बाहर खड़े होते थे लोग तो अभी भी घर के बाहर खड़े रहते हैं लेकिन अब तो कर्जा लेने वाले खड़े होते हैं और साहब पिछली गली के पाइप से चढ़ के घर के अंदर आते हैं इधर चेक मिला उधर उनकी याशें शुरू हो गई आज जो होगी पैसा खर्च करने की चल तू उठा ले मैं जरा कपड़े धो जरा ना धोना पूरी तरह धोना वरना मुझे डांट पिटेगी रेशमा तेरी जैसी भी कोई और नहीं होगी आहिस्ता आहिस्ता लो जी चाय खत्म और वक्फा शुरू ओ जे मैं हुंदी ढोल ना सुन दी तवेतड़ी फिड़े मो भाई तुम्हारा है और तुम्हें आज तक मुजक्कर और मुअन्नस का पता नहीं चला तुम कबूतरी हो असील कुक्कड़ जितनी तुम्हारी उम्र हो गई है तुम अभी तक कबूतरी बने हो सलाम साहब जी वालेकुम अस्सलाम है आज बड़े खुश हो डीडी क्या बात है साहब जी आपको मैं खुश नजर आ रहा हूँ मैं अपनी शक्ल आईने में देखता हूँ तो मुझे उस आदमी जैसी लगती है जी जिसका मोबाइल डाकू छीन के ले जाते हैं और वो गरीब हर आदमी को कहानी सुना रहा होता है और तुमने इन चीजों से क्या लेना देना तुम्हारी तो ज्यादा से ज्यादा कोई तलाशी ले सकता है तुम्हारे पास होता तो कुछ भी नहीं चल फिर भी बता के कोई तुम्हारा क्या छीन के ले गया साहब जी मेरी जी कोई 7 महीने की तनख्वाह ले गया जी अल्लाह करे उसका बेड़ा गर्क हो जी उसका सूट मैला हो जी उसके जूते से सांप का बच्चा निकले जी बकवास बंद कर बदवा किसी को लग भी सकती है वो भी कोई अल्लाह का नेक बंदा ही होगा ना जी अच्छा चल तुम मुझे बता कि कौन ले गया ये तुम्हारी 6-7 महीने की तरह ओ साहब जी मेरा हाल तो जी उस आदमी जैसा है जो थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाए जी तो आगे जिसको रिपोर्ट लिखवा रहा हो जी वही मुजरिम हो लो जी मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हो साहब जी मैं अपने सारे तवाज़ुन खो चुका हूं भाई ना आप आ गए नहीं अभी तो नहीं आया अरे मां चली आ ही गया हूं तो मेरी आवाज तुम्हें आई है ना नहीं साहब जी मुझे तो आप जब नहीं भी होते तब भी आपकी आवाजें आती हैं क्या आवाजें आती हैं फिक्र ना करो दे दूंगा फिक्र ना करो दे दूंगा तनख्वाह तुम्हारी हो सकता है जी आपके जमीर की आवाज हो जी बकवास बंद कर रहा है अरे जी तुम्हें क्या हो गया देखो भाई मेरी बात को सिर्फ बात ना समझना तुम वाकई अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हो भाईन आज पापी ने ना मेरी बड़ी बेइज्जती की है मैंने सिर्फ चाय की पत्ती मांगी थी और उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई इतनी सारा बातें सुनाई इतनी बातें सुनाई कि मेरा कलेजा जो है ना मुंह को आ गया अरे माँ तुम थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकती थी या फिर तुम डीडी से मंगवा लेती भाईजन मुझे तो सोचने ही नहीं दिया और कोसने देने शुरू कर दिए कि कब तेरी शादी होगी कब हमारी जान छुटेगी भाईजन मैं क्या बोझ हो गई हूँ आप पर और नहीं मेरी बहन नहीं तुम क्या हमारे ऊपर से रक्षा गुजारती हो जो हमें बोझ पड़ेगा हाँ
ये धरती की पुकार तो हो सकती है। सुनो, वो तुम्हारी शादी के लिए परेशान है। माए बेटियों की शादी के लिए परेशान तो होती है ना। सच भाई जान? भाई मैं किधर जाऊं? आहा, मगैम्बो खुश हुआ। वैसे साहब जी एक बात कहूं, जितनी जल्दी हो सके जी बाजी की शादी कर दे, वरना यहाँ गुमसान की जंग शुरू हो जाएगी। डेटी मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। करना क्या साहब जी, आप चैनलों के चक्कर पे चक्का लगाएं, अगर कोई आपका चेक कैश हो जाता है जी तो कर्जदारों के मुंह पर कर्ज मारे जी। मजाक कर रहा था, चाय लेके आऊं साहब जी? नहीं बेगम साहब आती हैं तो फिर इकट्ठे पीते। अच्छा अगर कुछ लाना ही है तुमने तो तुम ऐसा करो मेरे लिए चिकन सूप ले आओ। क्यों जी साहब जी, आप रिक्शा लेके आए जी? और बकवास बंद कर, तफा आ जाए। मैं लेके आता ज्वाला नगर ना हो तो। इसने तो परेशानी में मुब्तला कर दिया है। इतनी जंगे होती हैं घर में। देखो जी ये रिश्ता बड़ी मुश्किल से आया, ये ना हाथों से निकल जाए फिर हमारी रीमा की भी तो उम्र बढ़ती जा रही है ना। हाँ जी उम्र की तो खैर है जी, उनके वजन पर गौर करें जी। अब तो वेट मशीन पे चढ़ती हैं तो वेट मशीन की अपनी चीखें निकल जाती हैं, उसमें से आवाज आती है कि ये वेट मशीन हजूम के लिए नहीं है। ये बताओ ये सब होगा कैसे? आप मेरी फिक्र छोड़ें जी, मेरी तनख्वाह तो मिल ही जाएगी जी, आप रिश्ते का सोचें साहब जी। इस बार अगर मेरे कहीं किसी चैनल से खुदा न खास्ता चेक आ गए ना तो सबसे पहले मैं इसकी तरह इसके मुंह पे मारूंगा और 10-10 के नोट की गड्डी लाऊंगा ताकि इसके मुंह पे चटाक पटाक लगे जोर जोर से। आपने मुझे तनख्वाह देनी है या मुझसे मुजरा सुनना है जी? मुंह पे मत मारिएगा, आप मुझे गैर समझते हैं ना जी, आराम से भी तो तनख्वाह दे सकते हैं जी। बक बक बंद कर। डीडी तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है मगर ये मामला संजीदा है ना। तो बेगम साहबा मैं भी संजीदा हूँ जी, क्या करूं ब्लेड मार लूं जी। पक्को मुझे ये बताए कि ये होगा कैसे? देखो जी हमारा इतना बड़ा घर है, अगर हम इसको बेच के तो छोटे घर में चले जाते हैं, फिर इसके जो पैसे मिलेंगे ना हम शादी पे खर्च करेंगे। ना रबिया ना, ये घर मेरे अब्बा जी की निशानी है। अब्बा जी जिन थे जी निशानी दे गए। और बक बक बंद कर, मुझे तो इस घर से अब्बा जी की आवाजें आती हैं। आओ दुम्बो। ऐसा लगता है अब्बा जी किसी कोने से निकलेंगे, सीधे मेरे पास आएंगे और मुझे चंबड़ जाएंगे। मैंने बचपन में उनको तंग भी तो बहुत किया ना। हाँ जी बस भूल जाओ इस रिश्ते को, वैसे भी रिश्ते वाले इतनी बड़ी बड़ी फरमाइशें करते हैं, मना करवा दो आप उनको। पागल हो गई हो, मना करते हैं उनको? भाई उनको आने दो, रिश्ता पसंद करने दो, बाद में देखी जाएगी। हाँ जी असल मसला तो पसंद का है जी, आखिर लौट से लोग आ रहे हैं। ट्रेन पे आ रहे हैं जी? नहीं ट्रक पे चढ़े हुए सारे। तो फिर मारीपुर जाके उनकी बेल्टी छुड़वाए जी। पागल हो गए हो, ट्रेन पे आ रहे हैं? तो चेक करें जी कौन से स्टेशन पे ट्रेन उल्टी है ताकि रोटी और दवाइयां लेके चले वहाँ। अच्छा राबिया ये बताओ कि वो यही रहेंगे? नहीं अपने अजीजों के घर ठहरेंगे। भाई फिर भी तुम लोग अपनी ना तैयारी मुकम्मल रखो। ढोल वाले को कह दो जी। वो यहाँ रिश्ता देखने आ रहे हैं, जलसा करने नहीं आ रहे, ढोल वाले को कह दूं। तुम ना जरा रीमा को समझा दो, चली सी है वो। अच्छी खासी समझदार है जी, 150 फिल्में कर ली हैं उसने। ओए चली है, पिछले साल तो उसने मेरा तरा निकाल दिया था, हेलोवीन वाला ना मेकअप करके आ गई, काले काले कान सींग लगे हुए, इतना बड़ा उसका मुंह है, मैं तो डर ही गया था। वो मेकअप तो जी बेगम साहबा ने खुद किया था अपने हाथों से। वो तेरा बोलना जरूरी है? तू क्या शेखों में उठता बैठता है, हर बात पे बहस करता है। ओ मैं तो जी ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा था। तेरे सदके जाऊं, तू बहुत अंग्रेजी बोलने लगा है अभी, क्यों? ओ वो जी मैं आजकल सियासी इंटरव्यू बहुत देखता हूं, खासकर उन साहब के जी वो जो सिगार लगा के इंटरव्यू देते हैं। वो जिनकी बड़ी सहमी हुई वेग है, बचगाना वेग पहनते हैं जी। जी मेरी बात सुनो, जब वो आएंगे ना जरा आंखें खोल के खाना पकाना। मैं तो आंखें खोल के पकाता हूँ जी, अब्बा जी मरहूम आंखें बंद करके खाना पकाते थे, और क्या खाना पकाते थे जी, हाथ छोड़ के साइकिल चलाते थे जी, पेट पे रख के नेजा टेढ़ा कर देते थे, अब्बा जी करते थे। इसके अब्बा जी पहले सर्कस में काम करते थे, फिर हमारे अब्बा जी ने उनको कहीं से पकड़ लिया। जंगल से पकड़ा था जी? ये वो बच्चा है जो हर खुशी के मौके पे मांग डालता है। और चलो उठे चल, सोचेंगे ये मसला बड़ा संगीन है। हाँ मखा बीच में आके बैठ जाता है। ठीक है जी तैयारी कर जाके कल की। तेरे शांतरी ओए भट्टी, हाँ भाई हाँ तू बड़ा से आना, काम का है तू ये माना ओए डीडी। अरे बातें बनाना
किया भला नहीं।